इस वीडियो में करने वाले ड्यूटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ड्यूटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो यह दी है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की है? तो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की है तो यह भारतीय नौसेना ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो यह बनी है तो यह अश्रिता वी ओलेटी बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्रिता वी ओलेटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह की है तो यह अपना देश भारत ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है? तो एक गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है तो यह सेशेल्स को सौंपी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेशेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने ओमेन व्हील नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ओमेन व्हील नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है तो यह गूगल ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है जिसका थीम था, तो यह इसका थीम था कि वेटलैंड्स एंड वाटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एडवांस्टेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेंटलस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है तो ये अनिंदा दत्ता द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिंदा दत्ता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? तो बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव यह किया गया है तो यह जमुई जिला में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमुई। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो यह किया है फिलीपींस ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार जो इब्राहिम प्राइज है इसे सम्मानित किया है तो यह नाइजर के राष्ट्रपति को सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी है? तो यह यारलुंग जांगबो नदी पर दी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यारलुंग जांगबो। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत ने सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने 100 मिलियन डॉलर के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो यह 100 मिलियन डॉलर क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है तो यह विश्व बैंक ने बनाई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो यह बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो यह 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश यह बना है तो USA बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, USA। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो केला महोत्सव का आयोजन किया गया है तो उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये मार्क रूटे लगातार ये चौथी बार यह नियुक्त हुए हैं तो यह नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं चौथी बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिस्ट्रक्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है UAE के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UAE। क्वेश्चन नंबर 19 है,
पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो यह पूर्वोत्तर राज्य के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना यह की जा रही है तो यह असम में की जा रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड 19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह भारत को स्थान प्राप्त हुआ 86 प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो यह देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है तो यह बनी है आयशा अजीज बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयशा अजीज। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है तो यह किया है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो नई नागरिकता नीति लागू की गई है तो यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो यह 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं तो यह जमशेरजी टाटा बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेरजी टाटा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 का हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 का हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है तो यह आत्मनिर्भरता को घोषित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 26 है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीती है? तो यह जीती है तमिलनाडु ने जीती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब यह जीता है नाओमी ओसाका ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यह कर्नाटक में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सादे पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है इजराइल ने लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 30 है, फरवरी 2021 में दुबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन मंडूबी को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है INS करंज को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, INS करंज। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किए हैं? तो ये भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेंट का आविष्कार किया है तो यह किया है सोनम वांगचुक ने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनम वांगचुक। क्वेश्चन नंबर 32 है, परावैगनी किरणें से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है? तो यह बनी है तो यह लखनऊ मेट्रो बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 33 है, फरवरी 2021 में माइकल सुमारे का निधन हो गया है, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो यह माइकल सुमारे का निधन हो गया, यह पपुआ न्यू गिनी का पहले प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पपुआ न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यह पहले भारतीय बने हैं अजय मल्होत्रा बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो यह 87 वर्षों के बाद ये पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाला था ये टूर्नामेंट, तो BCCI ने इसे रद्द कर दिया है, तो वो टूर्नामेंट यह रणजी ट्रॉफी था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रणजी ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस संस्था के द्वारा 8 से 12
फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया है। तो ये 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है, तो वो संस्था RBI है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RBI। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी तो यह कर्नाटक में की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 38 है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोब एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है, तो यह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये जापान के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाले पहला देश बना है? तो यह पहला देश बना है, तो यह घाना बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घाना। क्वेश्चन नंबर 41 है, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह फरवरी 2021 में भारत का ये पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम है जो स्थापित किया गया है, तो यह केरल में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 42 है, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंध के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह भारत का पहला केंद्र स्थापित किया गया है, तो यह किया है चेन्नई में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 43 है, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो वन स्कूल वन IAS योजना यह सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, केरल सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 44 है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है? तो ये जापान ने जारी किए हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है तो यह फुकाकू है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुकाकू। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एनदर डोजेन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत रे। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो यह हरित पहल की शुरुआत की है ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, तो वह देश है सऊदी अरब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो यह विकसित किया है तो यह नासा ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो मित्रा स्कीम की शुरुआत यह की गई है तो टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस कंपनी का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो यह किया जाएगा LIC कंपनी के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, LIC। क्वेश्चन नंबर 50 है, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो ये बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि है, तो यह अवधि है 2021 से 26। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2021 से 26। तो दोस्तों ये एडुटेरिया करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। दोस्तों एक बात और बता दूँ कि डेली सुबह में करेंट अफेयर्स डेली का करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया जाता है, अगर आप नहीं देखते हैं तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, और इस पर टॉपिक वाइज भी करेंट अफेयर्स का वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, जैसे कि ओलंपिक हुआ, पैरालंपिक, इस सब का भी वीडियो डाला हुआ है और साप्ताहिक भी डाला हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो देखते रहिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।